तो ये है अक्षय कुमार के फेवरेट दही बल्ले एक्ट नटराज दही बल्ले। और इसी तरह आज मैं रणबीर कपूर, शाहरुख खान, हनी सिंह और राहुल गांधी के भी पसंदीदा रेस्टोरेंट में जाने वाला हूँ और उनका ही फेवरेट खाना खाने वाला हूँ। तो चलिए देखते हैं कि किस सेलिब्रिटी की पसंद हमारी पसंद भी बन पाती है। एक ब्रेड पकौड़ा खाने के लिए क्या क्या करना पड़ रहा है? ये कैमरा हटाओ, यहाँ कैमरा भी चले। तो ये है हमारी लिस्ट की पहली लोकेशन जो कि बॉलीवुड के एनिमल की भी पहली पसंद है। आई लव द चांदनी चौक के पराठे। मतलब अगर भाभी वन भाभी टू से भी ज्यादा हमारे एनिमल का दिल किसी के लिए धड़कता है ना, तो वो है चांदनी चौक की पराठे वाली गली के पराठों के लिए। अबे पर रणबीर कपूर खा कौन से वाला पराठा रहा है? सारे ट्राई कर रहा होगा। सारे नहीं ट्राई कर रहा होगा। एक काम करते हैं, पूछ के आते हैं। आजा एक बात बताओ, 2011 में रणबीर कपूर आया था ना यहाँ पे, उन्होंने कौन सा पराठा ट्राई किया था? मिक्स वेज पराठा, याद है आपको? मिक्स वेज पराठा, हाँ। और लस्सी पी थी कुल्हड़ वाली। पक्की बात? हमारा भी सेम ऑर्डर कर दो। चलो वैसे एक बात बताओ यार, कि ये जो हम रणबीर कपूर का फेवरेट पराठा ट्राई कर रहे हैं तो ये सही हुआ? क्योंकि उस बंदे की ना पसंद ना आए दिन बदलती रहती है। रणबीर कपूर को यहाँ के पराठे पसंद है, उससे ज्यादा एक जगह की एक और खासियत है कि इनकी रेंज ऑफ पराठा। मतलब पहली बात तो यहाँ पे नॉर्मल स्टाइल के पराठे नहीं मिलते, यहाँ पे जो पराठे मिलते हैं वो डीप फ्राइड पराठे होते हैं। और इनकी रेंज देखो एक बारी, रबड़ी पराठा, काजू पराठा, टमाटर पराठा, भिंडी पराठा। हम तो वही ट्राई करेंगे जो कि रणबीर कपूर का फेवरेट था, और वो था मिक्स वेजिटेबल पराठा। तो रणबीर कपूर का फेवरेट मिक्स वेजिटेबल पराठा हमारे पास आ गया है। प्राइस इन सब पराठे का यहाँ पे स्टैंडर्ड है ₹110। हमारे घरों में जो पराठे बनते हैं उससे तो काफी अलग है ये, आपको एक तरह से पूरी लगेगा देखने में। इसके अंदर लाइक द नेम प्रॉमिस्ड मिक्स वेजिटेबल आपको दिखेंगे, और इसको हम ट्राई करेंगे आलू की सब्जी के साथ। ओ वाओ वाओ भाई, चीज बढ़िया है। चाहे एक ये उस तरीके का पराठा नहीं है जिस तरीके का हमें खाने की आदत है, लेकिन ये अपने आप में अमेजिंग टेस्ट रखता है। रणबीर कपूर का फेवरेट फूड आज मेरे ख्याल से इस वीडियो में मेरा भी पसंदीदा तो बन ही जाएगा। लेकिन आपको अब लेकर चलता हूँ वीडियो की अगली लोकेशन पर। साल 1967 में चांदनी चौक की गलियों में जन्म लिया हरिओम भाटिया ने, और इन्हीं गलियों में घूम के और मेरे पीछे वाले नटराज के दही बल्ले खा के आज उन्होंने बॉलीवुड इंडस्ट्री में अक्षय कुमार नाम को एक ब्रांड बना दिया। अभी भी मेरा घर चांदनी चौक में है, चला जाता हूँ, कभी नटराज के गोलगप्पे मिल रहे हैं वो मंगा लेते हैं। और वैसे विमल की तरह ना, नटराज के दही बल्ले को अक्षय कुमार के एडवर्टाइजमेंट की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अक्षय कुमार के लिए चलो इसको दिखाते हैं आपको और इसे टेस्ट भी कर लेते हैं। आ जाओ। चलो यार, दही बल्ले की दुकान तो यही है, लेकिन ना मेरे को ना हल्का सा शक है, तो मैं एक काम करते हैं, पहले ना वेरीफाई कर लेते हैं कि एक्चुअली में अक्षय कुमार यहाँ पे आते थे या उनके फेवरेट है भी कि नहीं, है ना, फिर उसके बाद टेस्ट करेंगे। एक सवाल पूछ लूं बस, अक्षय कुमार जी यहाँ पे आते थे क्या? बहुत स्टारों ने मंगाए हुए हैं, ऐसे स्टार यहाँ पे थोड़ी आएंगे खड़े होते भी है, लेकिन वैसे आते हैं मोस्टली जब तार अलाउड थी यहाँ पे, तार भी बैठ के मंगाते, नहीं तो अपने होटल से मंगा लिया, ऐसे मंगाती। यार ये दही बल्ले एक बार देखो कितने सुंदर लग रहे हैं, और मेरे को पता है कि आप लोग ने इसको टेस्ट नहीं कर सकते, लेकिन विजुअली इनको देखकर ही आपको भूख लग जाना, इसीलिए मैं इन दही बल्लों का इस वीडियो का शूट भी अपने फेवरेट सोनी ZV-1F कैमरा से ही करता हूँ। ये कैमरा ट्रू टू इट्स कलर वाली क्वालिटी जो दे रही है, साथ ही साथ उन लोगों के लिए बेस्ट है जो कि फ्यूचर में अपने आप को व्लॉगिंग में एस्टैब्लिश करना चाहते हैं। और पता है इस कैमरा को खास क्या बनाता है? इसका ये अल्ट्रा वाइड एंगल 20mm वाला वाइड प्राइम लेंस। और इस कैमरा में आप अकेले नहीं, अगर अपने फ्रेंड्स के साथ भी ब्लॉग शूट करना चाहोगे तो आपके सारे फ्रेंड्स इसमें आसानी से एक ही फ्रेम में आ जाएंगे। साथ ही साथ ये कैमरा ऑफर करता है क्रिएटिव लुक का एक ऐसा कमाल का फीचर जिसमें वीडियो का सॉफ्ट और जेंटल कलर आपके लुक को और ज्यादा एनहांस कर देता है। ऊपर से आपको सोनी की एक अमेजिंग साउंड क्वालिटी मिलेगी, जिसमें इतने भीड़ वाले सराउंडिंग में भी आपको अपनी ऑडियो के साथ बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा। ये क्वालिटी है ZV-1F की, जिसके अंदर मैं एक एक्सटर्नल माइक लगाकर रिकॉर्डिंग कर रहा हूं। और मिलेगा वेराई एंगल LCD स्क्रीन जिसमें आप ऑसम सेल्फीज भी क्लिक कर सकते हो, और साथ ही साथ आपको मिलेगी कमाल की प्रोडक्ट शोकेस सेटिंग। इसके साथ साथ ही कैमरा ऑफर करता है कमाल का बोके इफेक्ट सिर्फ एक बटन के पुश पे। गाइस ये कैमरा एक्सेप्शनली कॉम्पैक्ट और लाइटवेट है, और मेरे ख्याल से आपके लिए एक परफेक्ट चॉइस। तो मेरे ख्याल से भाई न्यू ईयर आ गया है, किसी लव्ड वन को इस कैमरा से सरप्राइज कर ही। सो फटाफट क्लिक द लिंक इन माय डिस्क्रिप्शन टू नो मोर अबाउट दिस कैमरा, जितने मैं अक्षय कुमार के फेवरेट दही बल्ले टेस्ट करता हूं। चलो सो बेसिकली नटराज के जो दही बल्ले है ना, वो सिर्फ अक्षय कुमार के फेवरेट नहीं है, चांदनी चौक आने वाले हर किसी के फेवरेट है। वो आइडिया आप इनकी भीड़ से भी
भी लगा सकते हो, क्योंकि दुकान पे आप जिस भी समय चले जाओ इतना ही रश होता है, और इनफैक्ट आपको एक दही बल्ली के प्लेट के लिए कम से कम 10 से 15 मिनट वेट भी करना पड़ता है। वैसे मेरे को एक डाउट है कि अक्षय कुमार जिस हिसाब से फिटनेस फ्रीक है ना, वो आज भी दही बल्ले खाते होंगे, और जिस हिसाब से चांदनी चौक टू चाइना फ्लॉप हुई थी, मेरे ख्याल से वो चांदनी चौक भी मुश्किल ही आते होंगे। कुछ भी ये ट्राई करते हैं, हम ज्यादा बकवास नहीं करते भाई। इनकी दही की फ्रेशनेस ना पहली बाइट में ही भूल पड़ती है, और इनकी लाल सौंठ चटनी भाई अमेजिंग। मतलब मेरे ख्याल से अक्षय कुमार का फेवरेट ना भी होता ना, ये तब भी मेरा फेवरेट बन जाता है, ये इतना अच्छा है। अक्षय कुमार बॉलीवुड मुझे ओके लगते हैं, आपके फेवरेट है तो कमेंट्स में बताना, लेकिन दही बल्ले उनकी पसंद तो ऑसम है ब्रो। दिल्ली के मोती नगर में स्थित ये रेस्टोरेंट गुरु राखा हमारे अगले सेलिब्रिटी हृदेश सिंह का फेवरेट रेस्टोरेंट है। ये हृदेश सिंह कौन है? अबे भाई तू नहीं समझा, लेकिन उसके असली फैंस अभी तक मुझे पता है समझ गए होंगे। उन्होंने इस रेस्टोरेंट के बारे में काफी बारी बात करी है, और वो इनफैक्ट यहाँ पर रहते भी थे। तो चलो चलते हैं उनके रेस्टोरेंट का खाना टेस्ट करते हैं, आ जाओ। 15 दिन में कम से कम दो बारी मैं अपने एरिया में जाता हूँ, तंदूरी चिकन खाने जाता हूँ, मटन खाने जाता हूँ गुरु राखा का। सर एक चीज मुझे पूछनी थी, अगर मैं डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा आपको, तो कि मैंने ना एक क्लिप देखी थी जिसमें हनी सिंह है ना, सिंगर हनी सिंह, उन्होंने बोला था कि गुरु राखा रेस्टोरेंट उनका फेवरेट है, तो यही वाला है? Exactly. और उनका फेवरेट उन्होंने बताया था तंदूरी चिकन और मटन यहाँ पे। मटन इज स्पेशलिटी। अच्छा तो हम वही ट्राई करें आज, कराओगे ना हमें ट्राई? चलो ठीक है, आ जा आ जा। देखो कौन कौन आया है यहाँ पे, हनी सिंह। हाँ यार, दलेर मेहंदी। हाँ पिंक फ्लॉइड भी आ रखा है। हाँ पिंक फ्लॉइड का भी फेवरेट रेस्टोरेंट है ये करमपुरा में, गुरु राखा पिंक फ्लॉइड। अबे चल चल साइंस के पोस्टर। अबे मत मान भाई, तेरे को मैं बता रहा हूँ उनका फेवरेट रेस्टोरेंट है ये। आप बताओगे कि आपकी प्रेफरेंस क्या है, हनी सिंह या बादशाह? नहीं नहीं बादशाह। हनी सिंह आपका फेवरेट है ना? अच्छा आपको यही पसंद है ना? मेरे को भी यही पसंद है, हाथ मिलाओ। हमारी पसंद कितनी मिलती है ना भैया। बाकी जनता आपको क्या ज्यादा पसंद है, हनी सिंह या पाटा बादशाह, कमेंट में बताना। देखो हमने यहाँ पे जो डिशेज ऑर्डर करी है ना, वो वही है जो उस क्लिप में हमने सुनी थी, तंदूरी चिकन, मटन यहाँ पे बोला था, बटर चिकन यहाँ का बोला था, और वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पे मंगाई हैं। तो उनके गाने तो हमें फेवरेट हैं, ब्लू आइज हमें पसंद है, लुंगी डांस हमें पसंद है, लेकिन उनकी पसंद हमारी पसंद कितनी मैच खाती है ये पता लगा। चलो ये ट्राई करते हैं, पहले तंदूरी चिकन भाई, शक्ल से A1, रोस्टेड टू द परफेक्शन, मतलब जैसे यो भाई के गाने में कमी नहीं होती ना, खाने में कमी नहीं। अब ट्राई करते हैं बटर चिकन और ये मटन भाई, दिस खाना इज ब्यूटी। अब ये भी ट्राई करने, क्या है बटर चिकन। हमारी पसंद में कोई कमी नहीं है ना, कि हमने हनी सिंह को पसंद किया, वैसे हनी सिंह की पसंद में कोई कमी नहीं है। लेकिन अब आपको दिखाते हैं अगले सेलिब्रिटी का अगला फेवरेट रेस्टोरेंट। तो गाइस मेरे जस्ट पीछे है दिल्ली यूनिवर्सिटी का हंसराज कॉलेज, और हंसराज कॉलेज में कौन से सेलिब्रिटी पढ़ते थे? मैं नहीं बताऊंगा। शाहरुख खान, और शाहरुख खान ने बोला था अपने इंटरव्यू में कि उनका यहाँ के इस कैंटीन के, हंसराज की कैंटीन के ब्रेड पकौड़े उनके बहुत फेवरेट हैं। सर वही कैंटीन में ब्रेड पकौड़ा मिलता था लोहे के टेबल पे, हंसराज कॉलेज में था मैं। अब चैलेंज यह है कि हमारे पास ना स्टूडेंट्स कार्ड, ना हम क्राइम कर सकते हैं कि हम टाप के चले जाएं, तो वी हैव टू फाइंड समवन जो कि हमें हंसराज के ब्रेड पकौड़े टेस्ट करवाए। बात सुनना, एक बारी बात सुनोगे? आओ। अरे अरे कॉलेज में ही पढ़ते हो, कैंटीन खुली है? अच्छा एक बात सुनना, इधर आओ ना। यस। अच्छा मैं अंदर आ सकता हूँ, कोई चांस करवा सकते हो एंट्री? करवा दे यार, एक जना आ सकता है कि दोनों? इससे तो एक ही आ सकता है। एक ब्रेड पकौड़ा खाने के लिए क्या क्या करना पड़ रहा है? यही से ये कैमरा हटाओ, यहाँ कैमरा नहीं चलेगा। नहीं ये तो हमारा है, पर्सनल है। नहीं पर्सनल है, बंद कर ले। अच्छा तो हमारा एक सोल्जर सैक्रिफाइस हो गया है बीच रास्ते में, उसको एंट्री नहीं मिली बट मुझे एंट्री मिल गई थी। तो बेसिकली ना हम लोग ना शाहरुख खान के फेवरेट ब्रेड पकौड़ा खाना चाहते हैं, इसी चक्कर में मैं इतना रिस्क लेकर अंदर आया। चलो खिला दो ना, ठीक है आओ। वैसे बात सही कह रहे हो, और मुझे पता क्या लग रहा है, टेस्ट ना इसका इतना खास नहीं है, शायद पहले थोड़ा अच्छा हुआ होगा। हाँ
अब विद टाइम बेकार हो गया, ब्लड पुअर इतना खास नहीं है, ठीक ठीक है। लेकिन एक दो चीजें हैं जो मैं आगे जरूर देखना चाहता हूँ, वो जरूर देखते हुए चलता है। हाँ, तो ये भाई हमें एक जगह दिखाना चाहते हैं। हाँ बताओ प्लीज। एलपी, दिस इज लवर पॉइंट। ये लवर पॉइंट है। अच्छा, इसका नाम गोरी जी को प्रपोज किया था, इसी वजह से इस जगह का नाम लवर पॉइंट पड़ा। एलवी यादव भाई ने कीर्ति मेरा को भी एलपी पे प्रपोज किया। तो अच्छा, तुमने भी करा होगा यहाँ पे प्रपोज की करोगे? सोचेंगे, मिशन अकम्प्लिश। चलो भाई, हम आ गए अपनी दिन की आखिरी लोकेशन पर, जो है हमारे हैंडसम, डैशिंग और बैचलर युवा नेता राहुल गांधी की पहली पसंद। सरप्राइजिंगली ये इटालियन खाना नहीं बल्कि कुछ और है स्पेशल। चलो चलकर दिखाता हूँ। वैसे यार एक बात है, राहुल गांधी का जिंदगी भर प्रेम पानी पूरी से ही रह गया, और तरह के प्यार से तो वंचित ही रह गए बेचारे। दिस मॉर्निंग आई गॉट अप एट नाइट। ओ भाई, एक टाइम पे करीना कपूर ही मरती थी पे। हाँ? एक इंटरव्यू में बोला था ना कि अगर आपको किसी के साथ डेट पे जाना है तो आप किसको चूज करेंगे, तो उन्होंने राहुल गांधी का नाम लिया। अच्छा जी, राहुल गांधी। लेट मी टेल यू, आई एम बैटमैन। ये राहुल गांधी की फेवरेट यही वाले है ना, अभी वो रिसेंटली जहाँ पे आए थे खाने। अच्छा, यहीं पे खाए थे ना। हाँ ठीक है, तो हमने रिसेंट वाली वीडियो देखी थी जहाँ पर राहुल गांधी ने यहीं पर गोलगप्पे खाए थे। अभी है, ट्राई करते हैं। ये आखिरी लिस्ट है, अभी तक हम सिर्फ शाहरुख खान वाले से डिसअपॉइंट हुए हैं, जैसा उनकी मूवीज से हुए थे वैसे उनके खाने से। सॉरी सॉरी सॉरी, बट बाकी सबका अभी तक बढ़िया गया। ये देखते हैं कैसा है। हाइजीन तो बढ़िया। बढ़िया भाई। अगर मेरे ख्याल से मैं पूरी वीडियो की समरी बताऊं ना, और मेरा फेवरेट बताऊं कि मुझे इसमें सबसे ज़्यादा क्या पसंद आया, बड़ी डिफिकल्ट है टू डिसाइड। पराठे भी अच्छे थे, दही भल्ले भी अच्छे थे, देन अभी जो बटर चिकन खाया था वो भी बड़ा टेस्टी था। बट अगर एक विनर अनाउंस करना पड़ा तो मेरे ख्याल से मेरा जो फेवरेट फूड होगा वो होगा अक्षय कुमार की फेवरेट दही। दैट वाज बेस्ट। तेरा तेरा क्या होगा? बटर चिकन हनी सिंह का फेवरेट। बाकी आप अपना फेवरेट कमेंट सेक्शन में बताना, और कोई और सेलिब्रिटी जिसका फेवरेट अगर आप सजेस्ट करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। नहीं, मेरा फेवरेट शाहरुख खान है भाई, शाहरुख खान। जो मुझे सबसे कम पसंद आया वो था शाहरुख खान का फेवरेट ब्रेड पकौड़ा, इवन दो मैंने इतना रिस्क लिया उसको खाने के लिए। नॉनदलेस मिलेंगे अगली वीडियो में, टेक केयर गाइस, बाय बाय। आ जा। हां, 1 2 3 पांच।